ट्रेन का सफ़र तो आपने कई बार किया होगा। सफ़र के दौरान कभी आपने मुश्किलों का सामना भी किया होगा, तो कई बार यात्रा के दौरान आपका दिल भी रोमांच से भर आया होगा। दुनिया में कई रेलवे रूट्स बेहद खतरनाक हैं, इन पर यात्रा करना मौत के कुएं से कम नहीं लगता। इन रेलवे ट्रैक्स पर कई बार यात्रियों का सफ़र डर में ही निकल जाता है। इनमें से कुछ रेलवे रूट्स पहाड़ों से होकर गुजरते हैं तो कुछ सुरंगों से होकर। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक रेलवे रूट्स के बारे में जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं मराठा ब्लॉगर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुरांडा स्कैनिक रेलवे ट्रैक। ये रेलवे ट्रैक ऑस्ट्रेलिया के बैरो गॉर्ज नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि इस ट्रैक के आसपास एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल यानी झरना है। जब ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरती है तो झरने का पानी ट्रेन में सवार यात्रियों को भिगोने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस ट्रैक के इस अद्भुत नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ के आसपास का नज़ारा रोमांचक होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी होता है। नंबर 2, आर्गोगेडे ट्रेन रेल रोड। ये रेल ट्रैक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। ये रेल ट्रैक घाटियों और नदियों से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि सन 2002 में इस रेल ट्रैक पर एक हादसा भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इस ट्रैक के रोमांच में कोई भी कसर नहीं आई। इस ट्रैक पर सफ़र करने के दौरान आप ऊंचाई से नीचे फैली हरियाली का आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, मेकलोंग रेलवे मार्केट, थाईलैंड। क्या आपने भरे बाजार से कभी ट्रेन को गुजरते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप इसका लुत्फ थाईलैंड में ले सकते हैं। थाईलैंड का मेकलोंग रेलवे मार्केट एक लोकल मार्केट है जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई है, और वो भी मार्केट के बीचों बीच। यहाँ पर लोग पटरी के साथ में सामान लगाकर बेचते हैं। जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो लोग अपनी दुकानों से सामान हटा लेते हैं, और फिर जब गुजर जाती है तब फिर से अपनी दुकान लगा लेते हैं। ज़्यादातर इस मार्केट में दुकानदार सब्जी, अंडे और मछलियाँ बेचते हैं, लेकिन इस तरह के रेलवे ट्रैक्स भी अपने आप में ही रोमांच से भरे हुए होते हैं। नंबर 4, ट्रेन ए लास न्यूब्स, अर्जेंटीना। ट्रेन ए लास न्यूब्स अर्जेंटीना के साल्टा प्रोविंस में एक टूरिस्ट सर्विस ट्रेन है। यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ऊंची रेल सर्विस है। जिस ब्रिज से ये ट्रेन होकर गुजरती है वो अर्जेंटीना में समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसे ट्रेन टू दी लास क्लाउड भी कहा जाता है। इस रेलवे लाइन में 29 ब्रिज, 21 सुरंगे, 13 वाइडक्ट्स, 2 स्पायरल्स और 2 जिगजैग मौजूद हैं। यह ट्रेन 16 घंटों के सफर में महज 217 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें 3000 मीटर की ऊंचाई भी चढ़ती है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1920 में हुआ था, और इस प्रोजेक्ट के हेड अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड फॉन्टमैन इसी प्रोजेक्ट के दौरान मारे गए थे। नंबर 5, जॉर्ज टाउन लूप रोड, कोलोराडो, USA। कोलोराडो का जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड अपनी सुंदरता के कारण चर्चा में रहता है। यह रेल मार्ग USA के कोलोराडो की क्लियर क्रीक कंट्री के रॉकी पर्वत पर स्थित है। 1884 में यह बनकर तैयार हुआ था। यह रेल मार्ग जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्लम माउंटेन से होकर गुजरता है। कोलोराडो और दक्षिण रेल मार्ग का इस्तेमाल 1899 से लेकर 1938 के बीच पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के लिए किया जाता था। 1939 में इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 1984 में 100 वर्ष पूरे होने के बाद पर्यटन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको फिर से शुरू कर दिया गया था। नंबर 6, बर्मा रेलवे ट्रैक। इन सारे रेल मार्गों में से एक ऐसा रेल मार्ग भी है जिसे डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल मार्ग बैंकॉक, थाईलैंड, रंगून और बर्मा के मध्य में स्थित है, और इसकी लंबाई 415 किलोमीटर है। इसको डेथ रेल मार्ग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस रेल मार्ग के पुल का निर्माण करते वक्त लगभग 1,00,000 मजदूरों की कवाई नदी में गिरने से मौत हो गई थी। इसको 1947 में बंद कर दिया गया था, और 10 साल पूरा होने के बाद इसे फिर से खोल दिया गया था। नंबर 7, रामेश्वरम रेल मार्ग, चेन्नई। यह एक ऐसा रेल मार्ग है जो समुद्र के ऊपर से होकर गुजरता है। इस रेल ब्रिज को पंबन ब्रिज भी कहते हैं। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु को रामेश्वरम के पंबन द्वीप से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई
तकरीबन 2 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य अगस्त 1911 में शुरू कर दिया गया था और 24 फरवरी 1914 में यह बनकर तैयार हो गया था। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। जहाजों को वहां से पास कराने के लिए पुल के मध्य भाग को खोला जाता है। 23 दिसंबर 1964 में भयंकर तूफान की वजह से पंबन ट्रेन पटरी से पलट गई थी, जिसके कारण 150 लोगों ने अपने जीवन को खो दिया था। नंबर 8, गोकटिक व्याडक्ट म्यांमार। यह रेलमार्ग अपने आप में ही अनोखा है, क्योंकि जब यह बनकर तैयार हुआ था तब यह विश्व का सबसे बड़ा रेल का ढांचा था। यह रेल म्यांमार के नोकियो जगह में स्थित है। यह पिन लियो इन के दो पहाड़ियों के शहरों को जोड़ता है। यह म्यांमार का सबसे ऊंचा पुल है। पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड कंपनी द्वारा 1899 में इस पुल का निर्माण किया गया था और 1900 में यह बनकर तैयार हो गया था। इस पुल की लंबाई लगभग 689 मीटर है और यह पुल 15 टावरों पे खड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है प्रकाश और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार ऐसे ही रोमांचक भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।